गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। सो, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जो हमने वीडियो बनाई थी कि वाई वो नी ट्रैवल हिस्ट्री, हमको ट्रैवल हिस्ट्री क्यों चाहिए, वो मैंने पंजाबी में लाइव वीडियो बनाया था। लेकिन वो लाइव वीडियो इसलिए नहीं, वो आई थिंक सम नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो काफ़ी मेरे को कमेंट आया था कि ब्रो कि आप इस वीडियो को क्लियर बनाएं, दोबारा बनाएं, तो जैसे नॉर्मल वीडियो में बनाएं। तो मैंने बोला चलो बनाता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री हमको क्यों चाहिए। अभी हमको काफ़ी लोग हैं जो जाना चाहते हैं बाहर, शेंगेन जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो अपना खाली पासपोर्ट हर तरफ लेकर जाते हैं कि हमको फ्रांस का वीज़ा चाहिए, जो हमको जर्मनी का चाहिए, जो हमको इटली का चाहिए, तो उसको क्यों नहीं मिलता। लेकिन उसकी प्रॉब्लम होती है ट्रैवल हिस्ट्री। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप कोई भी कंसल्टेंसी या किसी भी एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको कभी कंसल्ट नहीं करेगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। उसका काम है, अगर आप आ गए हो, पासपोर्ट लेकर आए हो, ये क्लाइंट उसका दूसरे पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो आपको सजेस्ट नहीं करता, उसको पता कि आप नहीं करोगे, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, लेकिन आप अपनी फाइल लेकर किसी और के पास चले जाओगे। तो जितनी भी बड़ी कंट्री है, मेन तौर पर शेंगेन का जैसे वीज़ा उसका हार्ड कैटेगरी है, उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो जब ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तो कहाँ की होनी चाहिए, आप सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और कर सकते हैं, तीन कंट्री का एक बना सकते हैं। जो दूसरा पैकेज बनता है, दुबई, आर्मेनिया, रशिया, ऐसे भी तीन कंट्री का ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी ने ट्रैवल कि मैं सिर्फ सर अकेला दुबई घूमाऊँ, या मैं कभी सिंगापुर घूमाऊँ, तो एज ए जी रियल टूरिस्ट में आप जितना में पैसे खर्च, उसमें थोड़ा और पैसे डालकर आप उस प्लान को बड़ा बनाएं, चाहे आप स्टे दो दिन ही स्टे करें, ठीक है। तो इसे आपकी अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री बन जाती है। जब आप इमिग्रेशन के ऑफिसर के सामने आपकी फाइल जाती है, पता होता है ये आप घूमने जा रहे हो, यूरोप घूमना चाहते हो, या किसी भी जापान घूमना चाहते हो, उनको पता है ये आदमी वाकई रियल ट्रैवलर है, तो ये घूमकर वापस आया जाएगा। और हमको वीज़ा मिलने की नहीं, जो मुश्किल सबसे यही प्रॉब्लम आती है कि वो सोचते हैं कि अगर ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए हमको ये ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। और दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट आप बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी है। खाली पासपोर्ट लेकर आप मेरे को बोलोगे सर पुर्तगाल का वीज़ा ले दो, सर आप जर्मन का ले दोगे, तो ऐसा वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है। और उसके बारे में मेरे को काफ़ी कॉल भी आए हैं कि सर पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा चाहिए। वो काफ़ी लोगों को समझाता हूँ कि हमारा अगर आपका यूरोप में सेट होने का इरादा है, जो आपका घूमना भी है, तो आप पुर्तगाल को नहीं चूज़ करोगे। पुर्तगाल क्योंकि सभी को पता है यूरोप को कि जो हमको जो पेपर मिलते हैं वो पुर्तगाल में मिलते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की जो आपको बता चुका हूँ वो इमिग्रेशन 2008 से ओपन है और वो सबको आपको पेपर देती है। लेकिन शर्त है कि आप उधर लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो इसलिए गाइस मैं आपको सभी बताता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। और काफ़ी क्वेश्चन का सर पुर्तगाल का वर्क परमिट कहीं भी, मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास भी माल्टा का ओपन वर्क परमिट आया हुआ है, बाइकर्स की जॉब है, लिथुनिया के ट्रक ड्राइवर की भी जॉब है। लेकिन क्या हो रहा है, कभी कभी सही काम चलते हुए फेक न्यूज़ भी बहुत आने लगती है, तो उसके साथ काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। अभी काफ़ी ऐड देखे, जर्मन का ओपन वर्क परमिट आ रहा है, पुर्तगाल का ओपन वर्क है, तो ये सब ऐसे चीज फेक है, ये इनका नहीं है। अभी जो चल रहा है वो माल्टा का है, लिथुनिया का ट्रक ड्राइवर है, ऐसे ही कंट्री का चल रहा है। और मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ, अगर ये पुर्तगाल का ट्रैक्ट ओपन का होता तो मेरे पास भी आता, तो बी वेयर ऐसी फेक न्यूज़ से। और इटली की एक न्यूज़ भी आ रही है, उसके लाग भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बताया जा रहा है एक जो गाँव है काफ़ी खाली है, हमारा एक सब्सक्राइबर है जो इटली में, उसने मेरे को बताया है कि इटली का जो वो गाँव है, गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, ठीक है, एक बार ही पैसा देगी आप उधर बिजनेस सेट कर, लेकिन उधर कुछ भी नहीं है, आप खेती बाड़ी सिर्फ कर सकते हो। तो इसलिए काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि हम इटली में जाकर उस जगह चल जाएंगे तो हमको, लेकिन वो इंडिया के लिए जो फ्रेश बंदों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, जो वहाँ पर है ऑलरेडी यूरोप में है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी एरिया में अगर काम ही नहीं है, अगर वो कुछ है नहीं, तो उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर काफ़ी मेरे को क्वेश्चन भी आ रहे थे। और जापान का जो मैंने वर्क परमिट का बनाया था, वो मैंने एज ए न्यूज़ दी थी, काफ़ी लोगों ने मेरे से कॉल किया, सर पूछा कि सर जो जापान के वर्क परमिट कब आएंगे, वो अभी आए नहीं है, क्योंकि मैंने पब्लिश किया था कि उनके जो लॉ पास हो चुका है तो जापान का वर्क परमिट आएंगे, तो लेकिन जब भी आएंगे तो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा।
ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता है कि माल्टा का ट्रक ड्राइवर, सॉरी लिथुआनिया का ट्रक ड्राइवर, उसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी मेरे से इंक्वायरी क्वेश्चन आए, उसके बारे में मैंने यही बताया कि अगर आपके पास 2 साल का गल्फ का लाइसेंस का एक्सपीरियंस है तो आपको इंडिया का भी चाहिए, वो भी जेन्युइन होना चाहिए, फेक उसमें कुछ नहीं चलेगा, जेन्युइन होना चाहिए क्योंकि वो चेक करते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। मैसन के कैटेगरी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो मैसन की जॉब्स है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और माल्टा के ओपन वर्क परमिट बताया है, और सभी ये जितने भी वर्क परमिट होते हैं इसकी एक क्रिटिकल कंडीशन होती है कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए वो 10th भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं अगर कोई भी जाना चाहता है, और अपनी इंग्लिश, प्लीज़ गाइस अपनी इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी होगी अगर आप चाहते हो घूमना चाहते हो बाहर जाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की वजह से काफ़ी लोगों को बोर्ड नहीं करने दिया जाता, उनके पास वीज़ा तो होता है, हमारे कुछ सब्सक्राइबर उनके पास हो चुका है, एक के पास शेंगेन वीज़ा था तो उसको बोर्ड नहीं करने दिया, तो एक के पास इंग्लैंड का वीज़ा था तो उसको बोर्ड नहीं करने दिया क्योंकि उसको बोलते, एक के पास कैनेडा का वीज़ा था, वो रिसेंटली मेरा फ्रेंड का ब्रदर लॉ उसके साथ हुआ, उसको एयरलाइन वो करने दी, बोर्ड बोलते कि आपका ये वीज़ा नहीं है, तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो इंग्लिश इंप्रूव करें, महीना क्लासेस ले लें, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो ऐसी इंग्लिश है, इंग्लिश एक आई थिंक ऐसी लैंग्वेज है कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको इजी बोर्ड करने दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं। तो ठीक है गाइस, होपफुली आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं थैंक यू करता हूँ, आप काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।